तारो भाई तारो। नीम का थाना के रिको एरिया में नगर पालिका द्वारा जो लंपी सेंटर बनाया गया है, वहां पर गाय के चारा चरने के लिए यह जो बर्तन मिट्टी के हैं, लाश बोलते हैं, वो प्रदान की गई है। किसके द्वारा की गई है भाई साहब? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जो मैरिज गार्डन है नीम का थाना का, उनके द्वारा यह व्यवस्था करवाई गई है। नीम का थाना के लोग जागरूक तो हो रहे हैं, मुहिम हमने जो मिशन चलाया था, छेड़ा था, वह कामयाब होता नजर आ रहा है। नीम का थाना के जो भामाशाह मदद कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और नीम का थाना की जनता से निवेदन करना चाहूंगा, जागिए, आगे आइए और इन मूक प्राणियों की लंपी के दौर में सहायता करिए और इसी प्रकार से सहयोग करिए। कोई खल का आंकड़ा गुड़ वगैरह दे रहा है, कोई लड्डू के लिए आयुर्वेदिक औषधि दे रहा है, कोई सब्जी मंडी से घिया दे रहा है, और ये गिरधारी पंसारी जी द्वारा लड्डू का सामान है, और घनश्याम जी जो गिरराज आटा है उनके द्वारा गुड़ वगैरह, खल काकड़ा मेथी दी गई है। सब्जी मंडी में जो महेंद्र यादव हैं सब्जी विक्रेता, उनके द्वारा ये दिया गया है। और ये मैरिज गार्डन क्या नाम बताया इनका? सिटी पैलेस। सिटी पैलेस मैरिज गार्डन की तरफ से ये दिया गया है नगर पालिका इस लंपी सेंटर को। बाकी लोगों का बहुत सा सहयोग निरंतर होना शुरू हो गया है। धन्यवाद, मेरी ये हमारी इस मुहिम को आप निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी मुहिम नहीं है ये इन मूक प्राणियों की मुहिम है, ये इन मूक प्राणियों की आवाज़ है जो लंपी से पीड़ित है। इस गोवंश की मुहिम है, इस हमारे आध्यात्मिक हिंदू धर्म की मुहिम है, और सभी इंसानियत के धर्म की मुहिम है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।